हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल के बाद नेम और फेम पाया है, लेकिन क्या आपको पता है बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कभी सड़कों पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचा करते थे, लेकिन आज वे हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक भी है। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार है, यानी अक्षय कुमार है। अक्षय आज बॉलीवुड के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक है। अक्षय कुमार ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने 15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पहली सैलरी 150 रुपए मिली थी। अक्षय ने आगे बताया कि उन्होंने नौकरी बदल ली और फिर जब वे दिल्ली आए तो सड़कों पर ज्वेलरी बेचने लगे। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में ज्वेलरी खरीदता था और उसे यहाँ बम्बई में बेचता था। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं, हेरा फेरी, भूल भुलैया, राउडी राठौर, गरम मसाला, हाउसफुल और ऐसी तमाम हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ अक्षय अब बॉलीवुड के सबसे अमीर और हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।